to policies, Prime Minister Narendra Modi hailed the goods and services tax as the biggest tax reform since independence and added that the rollout of GST will go a long way in simplifying the entire taxation process in the country. काफी मशक्कत के बाद जीएसटी बिल आप पारित करने में कामयाब हुए. क्या आप ये बताना चाहेंगे कि आप इसको कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं और इससे आम आदमी को क्या लाभ मिलेगा? देश आजाद होने के बाद फाइनेंस और टैक्सेशन सिस्टम में जो रिफॉर्म हुए हैं, शायद ये आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रिफॉर्म है. और इस रिफॉर्म से भारत में तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा. हमारे देश में बहुत कम लोग टैक्स देते हैं. कुछ लोग इसलिए देते हैं कि दिल में देशभक्ति पड़ी है कि भाई देश के लिए मुझे कुछ करना चाहिए. कुछ लिए इसलिए देते हैं कि भाई कभी नियम तोड़ना नहीं चाहिए, कानून में रहना चाहिए, इसलिए देते हैं. कुछ लोग इसलिए देते हैं कि भाई बेकार में कहीं पचड़े में पड़ जाएंगे, परेशानी में आ जाएंगे, जान छोटी लाखों पाए दे दो. लेकिन ज्यादातर इसलिए नहीं देते हैं कि प्रोसेस इतनी कठिन होती है और एक बार इस चक्कर में पैर पड़ गया तो पता नहीं कब निकलेंगे, डर रहता है. जीएसटी के बाद इतना सरलीकरण हो जाएगा कि सामान्य व्यक्ति भी देश के लिए कुछ करना चाहता है तो जरूर टैक्स देने के लिए आगे आएगा. इसलिए कोई कठिनाई नहीं होगी, बड़ी सरल प्रोसेस से हो जाएगा. दूसरा, आज भी आप जाओगे तो होटल में खाना खाओगे तो बिल आएगा, बिल के नीचे ये शेष, वो शेष, जिगना शेष, फलाना शेष, और व्हाट्सएप पर लोग भेजते हैं कि ये इतना बिल और इतना शेष, ये सब निकल जाएगा. ये सामान्य मानवी को तो एकदम सरल हो जाएगा. दूसरा, हम देखते हैं कि ऑक्टोइक के स्थान पर या स्टेट टू स्टेट जो चेक पोस्ट है वहां देखें, मीलों तक हमारी व्हीकल्स की लाइनें खड़ी हैं. और जब कोई व्हीकल खड़े रहते हैं तो देश की इकोनॉमी को बहुत नुकसान करते हैं. अब इसके कारण वो सीमलेस हो जाएगा, सारा एक दूसरे राज्य से माल जाना आना सरल हो जाएगा और टैक्सेशन सिस्टम के तरीके भी सरल हो जाएंगे. और इसके कारण सामान्य मानवी को कठिनाइयां तो दूर होगी और देश का रेवेन्यू भी विकास के लिए काम आने में सुविधा बढ़ जाएगी. आज कभी कभी केंद्र और राज्यों के बीच में अविश्वास होता है, इसके बाद वो अविश्वास का माहौल भी खत्म हो जाएगा क्योंकि एक ही प्रकार के टैक्सेशन सिस्टम होगी, हर एक को पता होगा क्या हो रहा है, तो एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और जो फेडरल स्ट्रक्चर को भी ताकत देगी. And once again, you can catch that entire conversation tonight across all Network 18 channels at 9 p.m.